Good morning, children. Now we have to start in watercolors. Watercolor landscape. Landscape means you know what is the landscape. क्या है landscape? हम जब किसी जगह में जाते हैं outdoor mountain, hill, फिर उसके बाद river, उसको देख के हम drawing करते हैं. उस drawing को landscape कहते हैं. हम किसी जगह पे देखे उसको image को हम canvas में या पेपर में उतारने की कोशिश की. इसके टेक्निक है, डिफरेंट टेक्निक है. वाटर कलर है, एक्रेलिक कलर है, ऑयल कलर है, तो डिफरेंट बन. आज जो हम आपको सिखाने के लिए जा रहा है वो वाटर कलर, ट्रांसपेरेंट वाटर कलर है. वाटर कलर के हमने बेसिक चीज़ क्या देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं. बैकग्राउंड कौन से कलर, स्काई है, नहीं क्या है. फिर मिड ग्राउंड है, मिड में क्या है, माउंटेन है, फिर पेड़ है, फिर फोरग्राउंड है. फोरग्राउंड में हम उसमें कोई फिगर है, ह्यूमन फिगर है, बैठे हुए फॉरेस्ट की या लैंडस्केप में देख रहे हैं, बैठे हुए कुछ है. विदाउट फिगर भी हो सकते हैं, फिगर भी लगा सकते हैं, स्काई, बर्ड, एवरीथिंग आप पुट कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम उसको देखते हैं किस तरह की बनाएंगे. बनाने के लिए लैंडस्केप करने के लिए एक व्यू फाइंडर होते हैं. अगर आप बहुत बड़े एक लैंडस्केप के सामने बैठे हो, जैसे हिल है, माउंटेन है, कहाँ तक आपको ड्राइंग करना है, इमेज लाना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्यू फाइंडर. व्यू फाइंडर होता है क्या, ऐसा है ये, ऐसा करके अगर आप देखोगी तो उनमें उसी जगह आएंगे जो जगह आप लेना चाहते हो. आपको इंटरेस्टिंग कहाँ है, मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता है. अगर सन राइजिंग हो रहा है तो सन राइजिंग कौन सी जगह से हो रहा है, उसके नीचे रिवर है, थोड़ा सा लैंडस्केप आ रहा है, साइड में जो ट्री वगैरह आ रहा है, या बोट है, या स्विमिंग कर रहा है कोई, श्री सोर पे है. तो इस तरह की जो चीज़ है उसको देखने के लिए हमें व्यू फाइंडर यूज़ करते हैं. व्यू फाइंडर ओनली फॉर जो है कौन सी एरिया आपको लेना है, कितना एरिया आपको लग रहा है. ये एरिया भी आपको डिपेंड ऑन मैन टू मैन वेरी करते हैं. आपको खाली पेड़ और पानी अच्छा लग रहा है, किसी को खाली पानी और सन और ये अच्छा लग रहा है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस मतलब आपको फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और ये ओवरऑल एक एस्थेटिकली वैल्यू उसको रहना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, पहले हम वाटर कलर की टेक्निक देखेंगे, फिर हम बाहर जाएंगे. बाहर जाके उसको थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे कि किस तरह की आउटडोर की करते हैं और लैंडस्केप ड्राइंग की या आउटडोर ड्राइंग की क्या कैसे करते हैं. तो फर्स्ट आई कैन शो इन एक वीडियो जिसमें आपको वाटर कलर, ट्रांसपेरेंट वाटर कलर आपको दिखाते हैं. Thank you.
होगा समझ में आ रहा है, ये स्काई है, ये मिडिल है, ये मिड ग्राउंड है, ये फोरग्राउंड है, टोनल वन बाय वन टोनल वेरिएशन होते हैं, फर्स्ट टोन, सेकंड टोन एंड थर्ड टोन। ने देखा इसकी फर्स्ट टोन कैसे यूज़ किया, सेकंड टोन कैसे किया, थर्ड टोन। ये मैक्सिमम 45 मिनट्स लगते हैं, आउटडोर स्टडीज़ है, जहाँ भी जाओगे वहाँ देख के लैंडस्केप बहुत कम टाइम में आप देखा जाए। प्री अर्ली 16 सेंचुरीज में भी बाहर जाके जिसको बोलते हैं लेआउट करके लेके आ जाते हैं, फिर बाद में घर पे जाके ऑयल पेंटिंग करते थे। धीरे धीरे इसको एक कंटिन्यूसली एक पेंटिंग जैसा इन्होंने रूप पाया, वाटर कलर, ट्रांसपेरेंट वाटर कलर भी पेंटिंग मानते हैं। तो हम जब इसको पेंटिंग करते हैं क्या क्या करना है, आप देखिए किस तरह की एक लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप के अंदर है, फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है, और एक बहुत अच्छा एक उसकी जिस जगह पे देखा है उस जगह की एक व्यू हम देख रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, इनको किस तरह के टेक्निकल है, ब्रश क्या यूज़ होता है, वाटर कलर के पास ब्रश किस तरह, सॉफ्ट ब्रश है, हेयर जो है सॉफ्ट हेयर है और ना ऑयल के जैसा है। हम जाके अभी बाहर जाएंगे, जाके आपको ऑन द स्पॉट दिखाएंगे कैसे करते हैं, हम भी आपके साथ काम करेंगे। चले हम बाहर, चलो टेक आउट इसको फाइल और आप लेके चलिए, हम बाहर जाके देखेंगे कैसे लेके चलिए। नाउ दिस इज द व्यू फाइंडर, आपको कैसे देखना है, कितना एरिया आपको लेना है। आपके सामने पूरा विंग्स बड़े हैं, वहाँ ट्री है और बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, फोरग्राउंड है, कितना आपको लेना है, फोरग्राउंड कितना लेना है, फोरग्राउंड मतलब जमीन है, ये सामने वाले है, मिड ग्राउंड मतलब आपके देखिए पीछे वाला जो एरिया है, और स्काई, और वो हो गया आपको बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कितना लेना है, फोरग्राउंड कितना लेना है, आपके सबसे पहले ये है ये व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर से आप आइज हाफ क्लोज करेंगे, एक आँख बंद करेंगे, आपको देखना है कैसे लेना है, ये एक फ्रेम जैसा आएंगे, उसको फ्रेम को देख के लेफ्ट टू राइट कितना एरिया लेना है, आप एक बार देखिए सर्च किए कितना आ रहा है, फिर उस हिसाब से ड्राइंग करेंगे। स्ट्रेट लाइक दिस यू कैन बी, आप बार बेटा ऐसा नहीं है, ये सामने लाओगे तो पूरा दिखाई देंगे, आपको जितना दूर ले जाओगे धीरे धीरे आपको एक फ्रेम आएंगे, ये वाला फ्रेम है, इन बिटवीन जो है आपको पेंटिंग नज़र आएंगे। पलक थोड़ा सामने लेकर आ जाइए, और सामने लेकर आ जाइए, अरे वो नहीं है, डिस्टेंस बढ़ाइए आपको। बेटा ऐसा होता है, आप बहुत स्पेशल हो हमारे लिए, आप प्लीज़ इसको ऐसा देखिए, एक आँख बंद कीजिए, अब कितना दिखाई दे रहा है, जो एरिया आपको चाहिए, जिस एरिया इंटरेस्टिंग है आपको उस एरिया को देखना है, उसको आगे कीजिए और आगे कीजिए। नहीं हाँ ये आपकी ठीक है जी, आपकी अंचल की अंचल, उसको आगे लाइए, सामने फ्रंट 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 और आगे, वो बैक हो रहा है आगे, हाँ वहाँ तक डिस्टेंस बढ़ाइए प्लीज़, आगे हाँ हाँ यहाँ यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, हाँ जहाँ से क्लासरूम देखा है वहाँ तक ड्राइंग कीजिए, वहाँ ठीक है। अब स्टार्ट ड्राइंग, आप हल्के से ड्राइंग करना, वाटर कलर में ऑलवेज आप बहुत हल्के से ड्राइंग करेंगे, अगर पोस्टर कलर यूज़ करें थोड़ा ओपेसिटी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट यूज़ करना है तो आपको लाइट ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग स्टार्ट कीजिए प्लीज़, कैन स्टार्ट ड्राइंग, ठीक है। नहीं नहीं पकड़ना नहीं है, आपने जो आइडिया आपको मिल गया इट्स ओके फाइन, आप करना है, आपको दे दीजिए प्लीज़ फाइंडर,
देख लिया ना, फिर जरूरत पड़े तो हम देखेंगे कहाँ तक कहाँ लेना है। आप साइड्स पे रख दीजिए, बेशक बार बार देखने का जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लिया जहाँ तक करना है फिर ठीक है। तो स्टार्ट ड्राइंग, आपको आर्ट रूम की वो पीछे वाला एरिया दिखाई दे रहा है उसको ड्राइंग कीजिए। स्टार्ट ड्राइंग, हाँ कर सकते हैं अगर कॉन्फिडेंट हो तो, डायरेक्टली पेन थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉ कर लीजिए, बेस्ट है, हल्का सा ड्रॉ कर लीजिए फिर स्टार्ट कीजिए कलर उल्टा वाले पेंसिल, ठीक है जी। हाँ हाँ जी, कहाँ ग्रीन दिखाई दे रहा है, ग्रीन की देखो वॉल्यूम है, हाँ ट्री है, ग्रीन कलर का बुश जैसा है, बुश नहीं सर, ट्री के पहले वो आते ना बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। कौन सी बॉक्स, ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है? नहीं सर ये वाले डस्टबिन नहीं, जो आ रहा है आप उसको कीजिए जितना आपको, हाँ ठीक है, ट्री के नीचे इतनी लाइन, हाँ हाँ बॉक्स आए छोटे छोटे, यस यू कैन डू, जो आपको दिखाई दे रहा है उसको कीजिए, ड्रॉ कीजिए, देखिए फिर हम कलर स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। इस ड्राइंग के लिए ज़्यादा टाइम है, हल्का सा ड्राइंग है, कोई रफली ड्रॉ कीजिए, जस्ट उसको बैकग्राउंड है, बिल्डिंग है, हल्का सा ड्राइंग, ड्रॉ में आपने थोड़ा सा हल्का हल्का ड्राइंग कीजिए, रबर जितना कम होगी, हैंडमेड पेपर है रबर यूज़ कम कीजिए, हल्का सा ड्राइंग कीजिए, दो लाइन आए नो प्रॉब्लम, लेकिन ड्राइंग हल्का होना चाहिए, रबर यूज़ मत कीजिए जी। आपकी ड्राइंग ऐसे ही अच्छी है, आप बहुत कम रबर यूज़ कीजिए, ठीक है आंचल देख के रबर कम यूज़ कीजिए, इरेजर वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। इसके भी स्टेप बाय स्टेप हम कलर लगाएंगे, फर्स्ट टोन स्काई में है, स्काई हल्का सा करके लगाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड टोन होगा ट्री वगैरह है, फिर हाउस बिल्डिंग, फिर फोरग्राउंड है, मिडिल टोन मिडिल एरिया जो है, हाँ थोड़ा सा देख के आपको ऑब्जर्वेशन जरूर चाहिए, हाँ आउटडोर के मीन्स ऊपर नीचे थोड़ा सा करना है उसी बिल्डिंग, आपको पता चलना चाहिए वही वाला एरिया आपने ड्राइंग किया, अगर कुतुब मीनार पे बैठ के ड्राइंग करें तो कुतुब मीनार होना चाहिए ना, लगना तो चाहिए, लाइंस बनी है जो बनी है आपको, कौन सी लाइंस पे बिल्डिंग नहीं आ पा रही, आपको जैसे दिखाई दे रहे आपको विजुअली जैसे दिखाई दे रहे ऐसे कीजिए आप, ठीक है। इसमें 20 मिनट्स लगेंगे, आपका हो गया, आप कीजिए ड्राइंग कीजिए, ड्रॉ कीजिए जल्दी, इसको कलर भी करना है, आप थोड़ा जल्दी कीजिए, स्टार्ट कीजिए जिसमें हम कलर कर सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, कुछ बड़े दिख रहे हैं। मैम एक काम कीजिए प्लीज, उसको वाटर कलर दे दीजिए। बैकग्राउंड कहाँ है आपकी, कम रखा है, चलो ठीक है ओके ओके। Thank you.
आप एक बार आपके पेंटिंग दिखाई है प्लीज़, सबने इधर इधर दिखाई है प्लीज़, कहाँ तक हुई है शो में, इधर देखे उल्टा करके कहाँ तक हुआ है शो, ऑल प्लीज़ इधर देखें। हम यहाँ आज ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपको ये कंप्लीट किया जाएंगे, क्योंकि जनरली ये 45 to 50 मिनट्स नॉर्मल पीपल के चाहिए, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए टाइम, समझने का समझाने के लिए भी टाइम ज़्यादा चाहिए आपको, एक एक चीज़ नेक्स्ट क्लास के इसको फिनिश करेंगे हम, तब तक के लिए यहाँ हम ख़त्म करते हैं। फिर आपको ऑब्जर्वेशन आपको दिमाग में भी रहेंगे, नेक्स्ट टुमारो आके आपको कैसे काम करना है, ऑब्जर्वेशन और भी है, आपको इस काम में क्या मज़ा मिले है, आउटडोर में आपको समझ में आया क्या है आउटडोर, येस और नो बताइए, क्या एक्सपीरियंस आपको, आपको कैसा लगा, मतलब एक बहुत अच्छा लग रहा है एक चीज़ को देख के, सबसे बड़ी बात आप जो चीज़ सामने आपको है उसके आपको यहाँ झलक आ रहा है, आपको पेंटिंग के अंदर देख के कहेंगे स्कूल की वो वाला एरिया है कैंपस है जो हमने ड्राइंग किया था, और याद भी रह जाते हैं इसके साथ साथ। सेम चीज़ आप जब लैंडस्केप ड्राइंग करने के लिए बाहर जाते हो तो
सेम चीज़ होता है, जब हम हिमाचल गए वहाँ गए इस तरह की ड्राइंग किया था, वो वाला टाइम एवरीथिंग आपको याद में रह जाता है। और एक ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा एक पेंटिंग होता है जो आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, घर पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ के स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।